आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लाउडरॉन के बारे में बताऊंगा और हम लोग एक मशीन में क्लाउडरॉन को इंस्टॉल करेंगे। क्यों यूज़ करना है क्लाउडरॉन को, ये बहुत बड़ा सवाल आप में से कई लोगों का होगा। ये एक सर्वर में आप लोगों को बहुत सारी ऐप्स मैनेज करना, उनको अप टू डेट रखना और सिक्योर रखना आपके लिए बहुत आसान बना देता है। मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर लिनोड का, जिसमें मैं अपनी एक मशीन बनाऊंगा जिसमें मैं क्लाउडरॉन इंस्टॉल करूंगा और लिनोड के द्वारा ये वीडियो भी स्पॉन्सर्ड है। तो आप लोग अगर डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाते हो और आप क्लिक करते हो उसको और साइनअप करते हो तो आप लोगों को 60 दिन के लिए $100 क्रेडिट मिलेगा। तो आप लोग साइन अप कर सकते हो और फ्री में फॉलो अलोंग कर सकते हो। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं क्लाउडरॉन के बारे में। चलते हैं और कुछ ऐप्स इंस्टॉल करेंगे। अगर एक सर्वर आपके पास है और उसमें आप मल्टीपल ऐप्स इंस्टॉल करना चाहते हैं बिना हैसल के, बिना लिनक्स जाने, बिना आप ज्यादा टेंशन लिए, ये चीज क्लाउडरॉन के थ्रू कर सकते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा डैशबोर्ड आप लोगों को ये देता है और आपके सर्वर को सिक्योर रखता है। मल्टीपल ऐप्स आप अपने सर्वर में डाल सकते हैं। कैसे, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्लाउडरॉन की जो वेबसाइट है वो cloudron.io है। अगर आप लोग को नहीं पता, ये जो वेबसाइट है इसके अंदर आप लोग एक सर्वर में क्लाउडरॉन इंस्टॉल करेंगे बस एक बार, और फाइनली एक बार आपका क्लाउडरॉन इंस्टॉल हो जाता है ना, उसके बाद आप लोग मल्टीपल ऐप्स उसी सर्वर में इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर अगर आप लोग गिटलैब को इंस्टॉल करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं एक ही सर्वर में। अगर आपका सर्वर कैपेबल इनफ है तो ये सारी चीज़ें इंस्टॉल की जा सकती हैं। तो मैं यहाँ पर जल्दी से अभी करने क्या वाला हूँ, आऊँगा अपने लिनोड में और इसके बाद मैं लिनोड्स पे जाऊंगा और क्रिएट लिनोड पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं क्लाउडरॉन इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो क्या होता है ना कि जो हमारा लिनोड है उसके अंदर मार्केट प्लेस होती है, एक मुझे काफ़ी बढ़िया फीचर लगता है ये इनका। मैं काम करूंगा या मार्केट प्लेस पे जाऊंगा और मार्केट प्लेस में जाकर एक ऐप इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो मैं आप लोग को ज़रा ये मार्केट प्लेस के बारे में बताता हूँ, फिर क्लाउडरॉन के बारे में भी थोड़ा सा मैं आप लोग को आइडिया देता हूँ। देखो क्लाउडरॉन को बनाने का जो मकसद है वो क्या है, वो मकसद ये है कि यार आपके पास एक सर्वर है, मान लो मैं कहता हूँ उसी में वर्डप्रेस इंस्टॉल करो, उसी में आप लोग सी पैनल भी इंस्टॉल कर लो। मैं कहूँगा यार उसी सर्वर में आप लोग बीफ भी इंस्टॉल कर लो, आप लोग सी पैनल कर लो और भी बहुत सारी ऐप्स होती हैं, गिटलैब वगैरह, वो इंस्टॉल कर लो। अब आप लोग अगर ऐसा करोगे मैनुअली तो हो सकता है कि आप एक इंस्टॉलेशन करने के चक्कर में दूसरा इंस्टॉलेशन ब्रेक कर दो। है कि प्रोबेबिलिटी ऐसा होने की कि नहीं है? है, हम सब जानते हैं। अगर आपने लिनक्स यूज किया है वी ऑल हैव बीन देयर, हमें पता है कि यार कितनी दिक्कत होती है अगर हमने गलती से कोई ऐप बंद कर दी, कोई पोर्ट खोल दिया, कुछ ऐसा काम कर दिया तो ऐप्स के डाउन जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसे में हम लोग क्लाउडरॉन का यूज करते हैं। तो क्लाउडरॉन एक तरह से एक मार्केट प्लेस है जिसमें बहुत सारे हम लोगों को ऐप्स मिल जाते हैं। एक सर्वर में आपने क्लाउडरॉन इंस्टॉल किया, क्लाउडरॉन के विद इन आपने बहुत सारी ऐप्स इंस्टॉल कर ली, लेकिन यहाँ पर लिनोड एक अपना मार्केट प्लेस प्रदान करता है। लिनोड कहता है कि भाई देखो हमारा ये मार्केट प्लेस है, इसमें से जो भी ऐप चाहो वो इंस्टॉल कर लो, क्लिक करोगे इंस्टॉल हो जाएगा। अब देखो मैस्टोडॉन में मैंने आप लोगों को बताया था कैसे इंस्टॉल करना, इन्होंने न्यू ऐप्स में मैस्टोडॉन यहाँ पर ला दिया मार्केट प्लेस के विद इन मैस्टोडॉन, वाओ विच इज़ अमेजिंग। लेकिन मैं यहाँ पर अभी करूँगा क्लाउडरॉन का इस्तेमाल और मैंने यहाँ पर क्लाउडरॉन सेलेक्ट कर लिया। अब मैं नीचे इंस्टॉल करूँगा उबंटू 20, रीजन सेलेक्ट करूँगा, कुछ भी आप रख सकते हो वैसे, लेकिन आप कोशिश करो कि अगर आप लोग कोई कस्टमर फेसिंग ऐप बना रहे हो तो आपके कस्टमर्स के पास रहे वो। अब आप यहाँ पर शेयर्ड सीपीयू में जाके नैनोड बना सकते हो 1 GB का $5, ठीक है, $5 में आप लोग बना सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर मैं रूट पासवर्ड, जो मेरा पासवर्ड है वही मैं रहने देता हूँ, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर टैक्स में CWH डाल दिया, लिनोड लेबल में मैं क्लाउडरॉन डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसको क्रिएट लिनोड पर क्लिक कर दूंगा। ये प्रोविजन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है, टाइम लगता है। अब ये यहाँ पर क्या कोई एरर आया? नहीं, कोई एरर नहीं आया, ये टाइम लगेगा इसको। देखो भाई साहब प्रोविजन होने में टाइम तो लगता है, तो इसलिए मैं काम करता हूँ, चाय वाय पी आता हूँ। ये रहा मेरा कॉफ़ी मग, कैसा लग रहा है आप लोग मुझे ज़रूर बताना। लेकिन इस कॉफ़ी मग में मैं जो है जा रहा हूँ अभी चाय पीने और वापस आता हूँ और मुझे ये जो मेरा लिनोड है प्रोविजन मिलेगा। अब यहाँ पर ये जो मशीन है वो तो प्रोविजन हो चुकी है, यानी कि जिस मशीन में मेरा क्लाउडरॉन रन होने वाला है वो तो यहाँ पर बन चुकी है मेरी। लेकिन अभी अगर मैं यहाँ पर लॉन्च लिश कंसोल पर क्लिक करूँगा तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अभी भी जो है बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, क्लाउडरॉन अभी भी उस मशीन में इंस्टॉल हो रहा होगा। तो ये टू स्टेप प्रोसीजर है एट अ वेरी हाई लेवल। पहला स्टेप है कि एक मशीन को प्रोविजन करना, यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो मशीन है वो लेकर आना, और उसके बाद एक बार मशीन हमारी रेडी हो जाती है, जैसे कि हमारा सर्वर रेडी हो जाता है, उसमें क्लाउडरॉन को इंस्टॉल करना। तो अभी जो इंस्टॉलेशन वाला पार्ट है वो चल रहा है, क्लाउडरॉन का इंस्टॉलेशन चल रहा है, तो मैं इसका वेट करूंगा। लिश कंसोल आपको क्या बताता है? लिश कंसोल आपको ये बताता है कि आपका जो क्लाउडरॉन है वो इंस्टॉल हो रहा है उसका क्या प्रोग्रेस है, वो प्रोग्रेस आपको बताता है। तो ये प्रोग्रेस जो है मैं देख रहा हूँ अभी और वेट करते हैं यार थोड़ा सा, जैसे ही ये पूरा हो जाएगा एक कप और पियाओ चाय आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस आता हूँ फिर। यूर 1.5 एटर्निटी लेटर ये इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसको बंद कर दूंगा, ठीक है, काफ़ी टाइम लगा इसको इंस्टॉल होने में, बट मैं इसको बंद कर दूंगा। और यहाँ पर वैसे मैंने चाय का बोला था ना कि चाय पी के आना, आप लोग एक्चुअली खाना खा के आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको
इस यूआरएल पे जा रहा हूँ। अब आप देखो यहाँ पर प्राइवेसी एरर आएगा और मैं यहाँ पर क्लिक करके प्रोसीड टू ये जो आईपी है इस पर क्लिक कर दूंगा। ये करने के बाद मैं वेट करूँगा इसके खुलने का, जो ये खुलने में टाइम ले रहा है, जितनी देर में ये खुल रहा है, इनफैक्ट इसको खुलने ही देता हूँ यार, थोड़ा सा टाइम ले रहा है खुलने में। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि एक डोमेन से इसको कनेक्ट करेंगे। तो मैं वेट कर रहा हूँ, ये कह रहा है यहाँ पर कि डोमेन सेटअप करो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर माई टेक्स्ट यूटिल्स डॉट कॉम लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिनोड चूज़ कर लूँगा, क्योंकि मेरा जो ये डोमेन है ना, ये लिनोड पर है, ठीक है। अगर आपका लिनोड पे नहीं है ना ये डोमेन, तो काम नहीं करेगा, आप अपने हिसाब से इसको देख लेना। नहीं तो आप क्या करना कि लिनोड पर ही लेकर आना इस डोमेन को, और उसके बाद हम यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हो एक पर्सनल एक्सेस टोकन बनाकर। तो मैं काम करता हूँ, सेलेक्ट ऑल रीड राइट, यहाँ पर सेलेक्ट ऑल रीड राइट, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ कि लेबल इसका रख देता हूँ क्लाउड रन। अच्छा, मैंने करा क्या, ये क्या कर रहा हूँ मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, एक पर्सनल एक्सेस टोकन बना रहा हूँ। और इस टोकन को बनाने से क्या होगा कि ये मैं कॉपी करता हूँ पहले, या पेस्ट करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये मैंने क्या किया, ये टोकन क्या कर रहा है बेसिकली। नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, जितनी देर में ये होगा उतनी देर में मैं आपको बता दूंगा, ये थोड़ा टाइम लेता है, उतनी देर में मैं आपको बताऊंगा। अब देखो क्या होता है कि माई टेक्स यूटल्स डॉट कॉम जो है वो एक डोमेन है, ठीक है। माई टेक्स यूटल्स डॉट कॉम मेरा यहाँ पर है, ठीक है। मैं इसको आई हैव सेव्ड कर देता हूँ, और अब मैं उस इस टोकन को देख नहीं सकता, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूँ। अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि ये डोमेन का क्या खेल है। डोमेन का खेल ये है कि यार एक माई टेक्स यूटल्स डॉट कॉम नाम का डोमेन है, ये मैंने गोडेडी से ख़रीदा था, ठीक है। आप कहीं से भी खरीद सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि आपको गोडेडी से ख़रीदना है, या फिर आपको जो है नेमचीप से ख़रीदना है, या फिर आपको जो है ब्लू होस्ट से ख़रीदना है, कहीं से भी खरीद लो, ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं है। अब आपने यहाँ पर करना क्या है कि ये करने के बाद आपने अपने जो नेम सर्वर है उनको इन 5 नेम सर्वर्स पर पॉइंट आउट करा देना। ये कैसे करते हैं, ये आप गूगल कर सकते हो कि कैसे एक डोमेन को नेम सर्वर से पॉइंट कराते हैं। वैसे बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर है, आप अपने डोमेन प्रोवाइडर पे जाकर, डैशबोर्ड में जाकर, डीएनएस सेटिंग्स में जाकर ये कर सकते हो, ठीक है। गूगल कर लेना, मिल जाएगा आपको। एक बार आपने ये कर दिया, आप इसको 24 घंटे का, या फिर शायद 1-2 घंटे में वैसे हो जाता है, लेकिन ये 24 घंटे का टाइम मांगते हैं। 24 घंटे में आपका ये जो डोमेन है वो लिनोड के हवाले कर दिया जाएगा, ठीक है, आपके प्रोवाइडर से लिनोड के हवाले कर दिया जाएगा। अब लिनोड के पास, आपके लिनोड डैशबोर्ड के पास पूरा कंट्रोल होगा इस डोमेन का। तो अब लिनोड से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी इस डोमेन को यूज़ करने की। तो आप यहाँ पर एपीआई की बनाओगे, एपीआई टोकन। तो आप यहाँ पर जाओगे, एपीआई टोकन पर क्लिक करोगे, एक नया पर्सनल एक्सेस टोकन बनाओगे, और उसके बाद यहाँ पर दे दोगे। अब ये बेसिकली क्या कर रहा है ना, ये लिनोड से रिक्वेस्ट कर रहा है इस डोमेन का एक्सेस, ठीक है, जो कि इसको मिल जाना है, ठीक है, मिल जाएगा। और वो डोमेन का एक्सेस लेने के बाद ये जो आईपी है ये ना यूज़ करके मैं वो जो डोमेन है वो यूज़ कर पाऊँगा, ठीक है। तो मैं वेट करूँगा इसका, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, कभी कभी एक एटर्निटी भी ले जाता है, लेकिन जितना भी टाइम ले यार, देना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। वेट करता हूँ, वापस आता हूँ फिर। यार सच्ची में बड़ा टाइम लग गया यार इसको। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये हो गया ठीक से। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना फुल नेम डाल सकते हो, अपना ईमेल डाल सकते हो, ये एक एडमिन अकाउंट आप सेटअप कर सकते हो। नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, और यहाँ यूज़र नेम में सिर्फ हैरी लिखता हूँ, और ये करने के बाद मैं क्रिएट एडमिन पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर प्रोसीड टू डैशबोर्ड कर देता हूँ। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो शायद ही आपको अकाउंट बनाने को बोलेगा। मेरे पास क्लाउडरन अकाउंट है तो मैं उसमें लॉगिन कर लूँगा। प्रोसीजर एकदम सेम होने वाला है, कोई आपको टेंशन ज़्यादा नहीं होगी। जैसे जैसे आपको दिखाता जा रहा है वैसे वैसे बस फॉलो करते जाओ। इनिशियली थोड़ा सा ही स्लो मेरा इसलिए भी चल रहा है क्योंकि हम लोगों ने, याद है, नया नोड बनाया था $5 का। अब यार $5 में यार थोड़ा तो स्लो होगा ना, मतलब समझ रहे हो ना, लेकिन पॉसिबल है, इसीलिए मैंने $5 का बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ इसका, इनिशियली थोड़ा सा स्लो है, बट जैसे ही ये लोड होगा मैं वापस आऊँगा। अब यहाँ पर मुझसे कह रहा है कि आपका जो ऐप्स हैं वो कोई भी इंस्टॉल्ड नहीं है, नो ऐप्स इंस्टॉल्ड, ठीक है। तो मैं चेकआउट द ऐप स्टोर पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर जल्दी से क्या करता हूँ ना, अपने क्लाउडरन अकाउंट, मेरा ऑलरेडी एक्चुअली क्लाउडरन अकाउंट है तो मैं लॉगिन करूँगा। अगर आपका नहीं है ना क्लाउडरन अकाउंट तो आप लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लॉगिन करूँगा अपने अकाउंट से, होपफुली ये लॉगिन हो जाएगा। वेट कर रहा हूँ यार। हाँ ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे हमारे पास ऐप्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि हम क्लाउड रॉन में बना सकते हैं। वर्डप्रेस है, नेक्स्ट क्लाउड है, रॉकेट चैट है, ओपन वीपीएन है, बहुत सारी ऐप्स हैं यहाँ पर। मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करता हूँ क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सबको मालूम है, ठीक है। तो हम कर सकते हैं इसको इंस्टॉल, ठीक है। माइनक्राफ्ट, काफ़ी चीज़ें यार, मतलब इसमें सब कुछ है यार, आप सर्च कर सकते हो। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अभी वर्डप्रेस पर क्लिक करता हूँ और आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दिखाता हूँ।
और यहाँ पर लोकेशन क्या है, लीव एम्प्टी टू यूज़ पेयर डोमेन। मैं mytextdoodles.com पर एक वर्डप्रेस वेबसाइट वेबसाइट नहीं वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, यूज़र मैनेजमेंट, अलाउ ऑल यूज़र्स फ्रॉम दिस क्लाउडरॉन। हाँ ठीक है, इंस्टॉल। तो ये इंस्टॉल करेगा वर्डप्रेस को। अभी कह रहे DNS रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर wordpress.mytextdoodles.com कर देता हूँ इसको। अभी कह रहा है कि ये वेट कर रहा हूँ इसका मैं इंस्टॉल होने का, ये भी इंस्टॉल कर हो रहा है। और wordpress.mytextdoodles.com पर mytextdoodles का वर्डप्रेस बन जाएगा, ठीक है। तो इसका भी वेट करता हूँ और फिर वापस आता हूँ, क्योंकि टाइम तो लेता है यार इंस्टॉलेशन में। चलो यार, यहाँ पर ये जो वर्डप्रेस है ये इंस्टॉल तो हुआ, तो मैं एक काम करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। और ये कह रहा है कि भाई एक्नॉलेज कर लो इंस्ट्रक्शंस को। देखो ये कह रहा है चेंज मी, एक यूज़र नेम है एडमिन। मैं एक काम करूँ यार, इसको कॉपी कर लूँ, कहीं पता पड़े मुझे अपना ही वीडियो देखना पड़ जाए इसको देखने के लिए कैसे चलाना है। एक्नॉलेज इंस्ट्रक्शंस, एडमिन और चेंज मी, ठीक है। ओपन वर्डप्रेस, एडमिन और चेंज मी, एडमिन और चेंज मी। तो /wp एडमिन पे जाऊंगा, /wp-admin, ठीक है। एडमिन और चेंज मी, एडमिन और चेंज मी, एडमिन चेंज मी, चेंज मी डाला है, देख लो आप लोग, ठीक है। लॉगिन नहीं हुआ तो मुझे ब्लेम मत करना, हो गया ये। तो यार मतलब देख रहे हो कितना मज़ेदार है ये चीज़। मैं सेव नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ समय के लिए इसको अप रहने दूंगा। आप लोग एडमिन चेंज भी जो है ट्राई कर लेना, और हो सकता है डिलीट हो जाए जब आप वीडियो को देख रहे हैं। अपना बना लेना यार, नैनोड $5 साइन अप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ देखता हूँ कि सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं, एलिमेंटर और इंस्टॉल करके देख लेते हैं, थोड़ा सा एक तसल्ली मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं ऐड न्यू पर क्लिक करूँगा और एलिमेंटर इंस्टॉल करता हूँ। एलिमेंटर, एलिमेंटर सर्च किया, इंस्टॉल नाउ। अरे मक्खन चल रहा है यार, मतलब नैनोड है और हरकतें कर रहा है, मतलब गीगोड वाली, ठीक है। तो समझ लो इतनी बढ़िया चल रहा है ये। अब मैं यहाँ पर एक्टिवेट कर लेता हूँ इसको, ठीक है। और मतलब यार ये सारी चीज़ें वर्डप्रेस नहीं सिखा रहा मैं आपको, बट मज़ा आया कि नहीं ये मुझे बताओ। अब इसी क्लाउडरॉन में, अब ये सब मैं नहीं कर रहा अभी, ठीक है। ये मेरा वीडियो देख लेना वर्डप्रेस का, अगर आपको ये सब सीखना है तो बना रखे हैं वीडियोज़ काफ़ी वर्डप्रेस पे भी। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ क्लाउडरॉन पे, मैं एक ऐप और इंस्टॉल कर सकता हूँ, ये पता है आपको। मैं यहाँ पर ऐप स्टोर पर जाकर एक ऐप और इंस्टॉल करता हूँ। वैसे नैनोड है, इसको माफ़ करना, ठीक है, इसको माफ़ करना, थोड़ा सा थोड़ा हल्का हाथ रखना इस पर, जुर्म मत ढाना इस पर। गुआकामोली इंस्टॉल कर सकता हूँ मैं, ठीक है। इंस्टॉल करो, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, कर सकता हूँ मैं, इसका वेट नहीं करूँगा इंस्टॉल होने का। मैं यहाँ पर guac.mytextdoodles.com में ये कर सकता हूँ और यहाँ पर गुआकामोली इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब अगर आपका जो सर्वर है वो गुड इनफ है तो स्काई इज़ द लिमिट, स्काई इज़ द लिमिट। आप लोग कितना भी कर सकते हो उस पर ऐप्स इंस्टॉल। तो ये है क्लाउडरॉन हमारा, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई आउट करो। एक अपना नैनोड बनाओ और कम से कम नैनोड बना के तो ट्राई करो। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा थोड़ी अच्छी मशीन बना लो, क्योंकि क्लाउडरॉन में ऐप के अंदर ऐप्स होती हैं बहुत सारी, तो थोड़ा सा अगर कंप्यूट पावर होगा तो मक्खन चलेगा, मज़ा आएगा आपको। बट मैंने नैनोड में इसलिए करके दिखाया आज के वीडियो में, क्योंकि लोग बोलते हैं अरे आप तो यार ये वाला यूज़ कर रहे हो इसलिए हो गया, मैं तो नैनोड यूज़ कर रहा हूँ मेरे में तो नहीं चल रहा। भाई अब तो मैं नैनोड यूज़ कर रहा हूँ, दिखाया ना आपको यूज़ करके नैनोड। अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं नैनोड यूज़ कर रहा हूँ, आपने ये वाला यूज़ कर लिया, 64 GB यूज़ कर लिया इसलिए आपका चल रहा है, मेरा मैं थोड़ा टाइम चाहने के लिए बस करता हूँ। हाँ एक अच्छी मशीन होगी उसमें फास्ट चलेगा, चीज़ें फास्ट रहेंगी उसमें, लेकिन ऐसा नहीं है नैनोड में नहीं होगा, नैनोड में भी हुआ। हाँ ये भी मैं मानता हूँ कि अगर आपने बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल कर दी एक टाइम के बाद जो है सर्वर अपने हाथ खड़े कर देगा, लेकिन वो एक अलग बात है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि आप लोग को मज़ा आया होगा। आप लोगों ने अगर लिनोड अकाउंट नहीं बनाया तो लिनोड अकाउंट बनाना, क्लाउडरॉन जब इंस्टॉल करो क्लाउडरॉन अकाउंट भी बनाना, और देखना ये चीज़ें कैसे होती हैं। सारे स्टेप्स जैसे मैंने बताए हैं वैसे ही रहने वाले हैं, एग्जैक्टली सेम। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। Thank you.